पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार से इस दिल्ली में वो लोग आकर जिनके पास 2 जून खाने का नहीं होता है, एक एक टाइम खाना खा के तैयारी करते हैं कंपटीशंस की वो बच्चे, और पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस से लेके यहां तक कि प्रोफेसर और पत्रकार बन के बैठते हैं, और ये कहते हैं कि पुरानी दिल्ली में पुश्तैनी मकान में रहते हुए हमें, जबकि हम बहुत पढ़े लिखे भी थे, पैसे वाले भी थे, हुकूमत से वावस्ता थे, फिर भी अब ऐसे हालात हो गए कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये हकीकत क्या है समझी जा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वास्तविकता को समझिए, और मोदी जी ने जो प्रयास किया है कि सब लोग पढ़ें, अब समस्या जानते क्या है, इस्लाम के अंदर एक कट्टरपंथी तंजीम है जो चाहती पढ़ लिख गए तो हमसे सवाल करने लगेंगे, इसलिए पढ़ाओ नहीं, तभी तो जब गरीबों गुर्बत में रहेंगे तो मेरी बात मानते रहेंगे। सुधांशु जी, मेरे सवाल, मुसलमानों में कितना प्रतिशत मदरसे में जाता है और हिंदुओं में कितना प्रतिशत संसद पाठशालाओं में जाता है, परसेंटेज बता दीजिए।